अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेजबान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज में आज बात करते हैं एक बड़ी अफसोसनाक खबर जो गुज़िश्ता कल से शाम से टीवी के स्क्रीन पर छाई हुई है। जी, उत्तर प्रदेश से अफसोसनाक खबरें आ रही है। वैसे जैसे ही मैं अफसोसनाक खबर बोलता हूँ तो तकरीबन लोग समझ जाते हैं कि कहाँ की खबर होगी। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर आ रही है। आपने गुज़िश्ता कल काफी इस खबर को देखा होगा, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि कानपुर में जो कुछ भी हुआ, वहां से हमारे रिपोर्टर अब्दुल मलिक ने बताया कि जुमा की नमाज के बाद जो आंदोलन, मुजाहिरा पुर अमन तरीके से मुसलमानों की जानिब से पुकारा गया था, आखिर वो मुजाहिरा, वो एहतजाज पुर तशद्दुद राह इख्तियार कर गया और एक फिरका वाराना तशद्दुद फूट पड़ा। माहौल इतना खतरनाक हो गया कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया और कई लोग जख्मी हो गए। 18 लोगों को गुज़िश्ता कल पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया है, लेकिन बकायदा पुलिस वालों पर दो तरफा इल्जाम लग रहा है। एक इल्जाम तो ये लग रहा है, वहां के एक एसपी के विधायक ने कहा है कि पूरी तरीके से चूक कहीं ना कहीं पुलिस वालों की भी नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस वाले खामोश तमाशाई हमेशा की तरह, क्योंकि ये नई बात नहीं है, पुलिस वाले खामोश तमाशाई बने हुए भी नजर आ रहे हैं, जबकि उनके सामने कुछ आतंकी आतंक का नंगा नाच खेल रहे हैं। सपा विधायक ने सीधा पुलिस वालों पर निशाना साधा है। वहीं पर गिरफ्तारियों में पुलिस वालों पर एक इल्जाम लग रहा है, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पुलिस वाले नाम पूछ रहे हैं या कुछ लोग नाम पूछ रहे हैं, तो पुलिस वालों पर यह भी इल्जाम लग रहा है कि नाम पूछ पूछ कर उठाया जा रहा है। खैर, गुज़िश्ता कल जो कुछ भी हुआ आप सब जानते हैं क्यों हुआ। नौपुर शर्मा जो बीजेपी की एक खबीस मलऊन औरत है और बड़ी नेता है, इसने कुछ दिनों पहले टाइम्स नाउ जैसे चैनल पर बकायदा अपने डिबेट करते हुए प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तौहीन रिसालत किया। अब शब्द कहे, हमारी माँ हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक से भी कुछ नाजेबा कलेमात कहे, तो इस इन घटिया लोगों की घटिया जबान से जो अल्फाज कहे गए हैं, इसको लेकर बकायदा तकरीबन 5-6 दिनों से मुंबई से लेकर कानपुर तक और पूरे मुल्क में मुतालबा किया जा रहा है, डिमांड किया जा रहा है और हर जगह पुर अमन तरीके से मुतालबा किया जा रहा है। मुंबई, मुमरा, भिवंडी, नासिक, मालेगांव, हर तरफ 5 दिन हो गए पुर अमन तरीके से हुकूमत से कहा जा रहा है कि इसको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हो गई, इसके बावजूद भी नौपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो हम तमाम का और इंसाफ पसंद भारतीयों का यह मानना है कि अगर नौपुर शर्मा को पहले ही गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई कर दी जाती तो जाहिर बात है कि किसी भी तरीके से ये ऐसे गलत जो हालात हो रहे वो कभी ना बनते। लेकिन कहीं ना कहीं हुकूमत की लापरवाही या फिर हुकूमत की, आप इसे क्या कहेंगे, कि क्यों आखिर ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है जो करोड़ों लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं। क्या इनको गिरफ्तार ना किया जाना हुकूमत खुद चाहती है कि ऐसा माहौल बने?
अगर हुकूमत नहीं चाहती है तो कम अज कम कानपुर में ये जो फिरका वाराना फसाद फूट पड़ा तो रात में ये भी खबर आना चाहिए थी कि हुकूमत ने बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करते हुए नौपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। और अभी तक अगर गिरफ्तार नहीं किया तो क्या हुकूमत चाहती है कि और भी इलाकों में कानपुर जैसे हालात बने? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। लेकिन वाकईतन हुकूमत अगर सच्ची है तो नौपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि जवानों के जो जज्बात होते हैं और खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी के जो जज्बात है वो प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये है कि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है और कर रहा है। फसादात में इसके मकान जलाए गए, इसके दुकानें जलाई गई नाजायज तरीके से, गैर मुनसिफाना तरीके से, जालिमाना अंदाज में यकतरफा कार्रवाई करते हुए इसी के घर पर बुलडोजर भी चलाए गए, सारी चीजों को मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन हुकूमत इस पैगाम को समझ लें, अगर हुकूमत मक्कार नहीं है और हुकूमत फसादात को रोकना चाहती है तो हुकूमत इस पैगाम को समझ लें कि मुसलमान प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान और हमारी माँ हजरत आयशा और तमाम उम्मातुल मोमिनीन के ताल्लुक से एक लफ्ज भी गलत अंदाज में बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि ऐसी चीजों में भी मुसलमान ने बर्दाश्त करना सीख गया है और हमारे धर्म गुरुओं ने कहीं ना कहीं मुस्लिम जवानों के जज्बात को कंट्रोल किया है और करना भी चाहिए, होना भी चाहिए। हम मुसलमानों से कहते हैं कि बिल्कुल भी गलत अंदाज में कदम न उठाएं, मगर हुकूमत की मक्कारी यह बता रही है कि नौपुर शर्मा को गिरफ्तार न करके हुकूमत की मक्कारी बता रही है कि हुकूमत चाहती है कि कानपुर जैसे हालात सभी तरफ बने, और इन हालात के बिगड़ने से आकर फायदा किसको हो रहा है, किन पार्टियों को हो रहा है, किन की कुर्सियां मजबूत हो रही है, ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं। आजकल आप हमसे भी ज्यादा अकलमंद हो चुके हो। लेकिन नौपुर शर्मा की गिरफ्तारी न होने पर कानपुर में जो एहतजाज था वो तशद्दुद की तरफ बढ़ गया, 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल उसी वक्त में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी, लाडले चहीते वजीर आजम नरेंद्र जी मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ सभी कानपुर में मौजूद थे। इसके बावजूद वहां पर तशद्दुद फूट पड़ा तो कांग्रेस ने सीधा बीजेपी पर निशाना साधते हुए और योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो चुका है, कांग्रेस ने साफ तौर से कहा है। जी हां, अब दलाल मीडिया भले ही कुछ और दिखाएं, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि इंसाफ अगर नहीं हुआ तो फिर हालात खराब होते ही रहेंगे। अब हुकूमत अगर अमन चाहती है, शांति चाहती है, तो हुकूमत को चाहिए, योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा किया, सख्त ऐलान किया, जबरदस्त ऐलान किया, मैं भी उनके ऐलान से सहमत हूं। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल भी फसादियों को बख्शा ना जाए, बिल्कुल भी आतंकियों को बख्शा ना जाए, बिल्कुल भी बवाल करने वालों को बख्शा ना जाए और उन पर रासुका लगाया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके फसादियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। बहुत अच्छा ऐलान, बहुत अच्छा ऐलान किए, फसादियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से खरगोन का मामला सामने आया और भी जगह बुलडोजर चलने वाले वाकया सामने आए हैं, तो वो खुल्ला खुल्ला बता रहे हैं कि बुलडोजर भी बड़े जालिम और कातिल हो चुके हैं। और बुलडोजर तो खैर बेचारी बेजान चीजें हैं, उनको चलाने वाले भी बड़े जालिम और कातिल हो चुके हैं, और वो किधर चलाए जाए ये इशारा और आदेश करने वाले भी बड़े जालिम हो चुके हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी से कहेंगे कि बुलडोजर जरूर चलाइए और चलना चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है हम इसकी पुरजोर अल्फाज में निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं, ये निंदनीय काम है, ये बड़ा घटिया काम है। लोगों के घरों को जलाना, पत्थर फेंकना, लोगों के मकानों में दुकानों में आग लगाना, ये बड़ा घटिया काम है। डॉक्टर बशीर बदर ने कहा था ऐसे फसादियों से कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, तो फसादियों से भी मैं कहूंगा। और पवित्र कुरान ने भी फसादियों से कहा है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता है। तो फसाद फैलाने वाले कोई भी हो, योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा जबरदस्त आदेश दिया है कि उनको खतरनाक उन पर कार्रवाई की जाए, बुलडोजर चलाया जाए, चलना चाहिए। लेकिन योगी जी, अगर आप सचमुच योगी हैं तो आपको यह भी देखना होगा कि बुलडोजर बराबर इंसाफ के साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। जी हां, कहीं नाम पूछकर तो मारा नहीं जा रहा है,
कहीं नाम पूछकर तो उठाया नहीं जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो योगी आदित्यनाथ जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहूंगा कि फिर आपका उत्तर प्रदेश क्या पूरे मुल्क में कहीं भी अमनो अमान बाकी नहीं रहेगा। उसकी वजह यह है कि इंसान कितना ही कमजोर हो, जुल्म सहने की उसकी एक कैपेसिटी होती है। अगर उस पर ज्यादा जुल्म होता है तो फिर वो भी रिएक्ट करता है। और फिर शायद राहत इंदौरी ने यह कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जी हाँ, तो रिएक्शन होता है ना। शायद उन्होंने ये भी कहा था कि रद्दे अमल का रद्दे अमल हो गया तो फिर, यानी रिएक्शन का रिएक्शन हो गया तो फिर। तो ये बड़ा प्यारा मुल्क है। मैं हुकूमतों से हाथ जोड़कर कहूंगा कि हम लाख कोशिश कर रहे हैं, हम जमीयत उलमा वाले लाख कोशिश कर रहे हैं अमन कायम हो, एकता कायम हो, सद्भावना कायम हो। अभी हमने पिछले हफ्ते 10 दिन पहले हमने वहां पर कोकण में, महाराष्ट्र के कोकण में जहां सैलाब आया था, फ्लूड आया था, वहां 3 करोड़ रुपए की जमीयत उलमा ने मदद की। जमीयत उलमा हमेशा अमनो अमान, भाईचारा, राष्ट्रीय एकता का काम करती है। 3 करोड़ रुपए की मदद की, 45 घर वहां पर बनाकर दिए, 22 घर हिंदू भाइयों को दिए। तो हमारी तमन्नाएं, हमारी कोशिशें हैं, हमारा काम यह है कि हम एकता का माहौल बना रहे हैं। लेकिन हम हुकूमत से अपील करते हैं कि अगर इंसाफ नहीं हुआ, अत्याचार हुआ, एकतरफा कार्रवाई हुई, तो फिर लोगों को कहां तक हम संभाल पाएंगे, लोगों को कैसे हम रोक पाएंगे। इसलिए हिंदू हो या मुस्लिम, फसादी जो भी हो, दंगाई जो भी हो, बवाल करने वाला जो भी हो, आतंकी जो भी हो, उसकी जात धर्म देखे बगैर और नाम पूछे बगैर अगर कार्रवाई होगी तो इंशाल्लाह मुल्क में अमन अमान आएगा। वहां से हमारे रिपोर्टर अब्दुल मलिक कानपुर ने बताया कि गुज़िश्ता कल जब धर्मगुरु गालिबन हाफिज अब्दुल कुद्दूस भी जब वहां पर गए तो उनके साथ भी गाली गलौज किया गया। जबकि वो समझाने के लिए गए, बिल्कुल अमन का माहौल बनाने के लिए गए, तो उनके साथ भी गाली गलौज हुआ, उनका मोबाइल छीन लिया गया। किसी तरीके से वहां पर पुलिस वालों ने उनको बीच बचाव करके वहां से निकाला। यानी आप ये खबर आपको बता रही है साहेब कि कितना जहर लोगों के दिमागों में भर चुका है। उस जहर को खत्म करने के लिए एक बड़ा काम ये होगा। जैसे आज की खबर आई है कि मुंबई में भिवंडी में हमारे लोगों ने मेमोरेंडम देकर यह अपील किया, मोदी जी से भी हमारे कच्चा शरीफ के जिम्मेदारों ने यह अपील किया है, उलमाए अहले सुन्नत ने यह अपील किया है कि मोदी जी इस नफरतों की आग पर आप बारिश कब बरसाओगे प्यार की, मोहब्बत की, इस आग को आप कब बुझाओगे, इसके खिलाफ कुछ बोलो, आपके मन में ये क्यों नहीं आ रहा है। आप मन की बात करते लेकिन आपके मन में ये क्यों नहीं आ रहा है कि कभी आप इस पर भी बात करें, कभी आप इस पर भी बात करें। हमें यकीन है मोदी जी कि आपको लोग बहुत मानते हैं, आपको दोबारा लोगों ने जिता कर दिया है तो ये आपको लोग बहुत मानते हैं। आपने अगर ये कह दिया कि ये मुझे पसंद नहीं है और ये बड़ी घटिया चीज हो रही है, इससे मेरे प्यारे मुल्क का अमन शांति खराब हो रही है, आपने ये कह दिया और ये आपने कह दिया कि इंसाफ के साथ में आतंकी और फसादियों पर कार्रवाई की जाए, आपने ये कह दिया ईमानदारी के साथ, आपके दिल से अगर ये अल्फाज निकल गए, आपके मन से अगर ये अल्फाज निकल गए, तो हमारा मानना है मोदी जी कि मुल्क में अमन अमान आ जाएगा। और प्लीज 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 मोदी जी आप ये जरूर कहिए क्योंकि मुल्क जल रहा है।